अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं, ये अखा मूंग है जिसको हमने 4-5 घंटे भिगो दिया था। इसकी भजिया का सालन बनाएंगे। तो ये भीगी हुई है, इसको हमने अच्छे से धो लिया है, अब इसे हम पीसेंगे। इसके पीसने से पहले हम मसाला पीसेंगे, जो कि ये है। ज़ीरा हमने लिया है 1.5 चम्मच, 1 चम्मच काली मिर्च, एक छोटी इलायची, एक लौंग और ये दो दरमियानी साइज़ के हमने छोटे साइज़ के प्याज लिए थे जिनको हमने मोटा चॉप कर लिया है। लहसुन है 1 पूरी पोटी, इसको हम बारीक पहले पीस लेंगे, उसके बाद दाल को पीसेंगे। मसाले को हमने डाल दिया है, अब इसको हम बारीक पीस लेंगे। मसाला हमारा पीस के तैयार हो गया है। देखिए, इसको बारीक हमने पीस लिया है, अब हम दाल को पीसेंगे। पीस के तैयार हो गई है दाल हमारी। अब इसमें हम कांदा, थोड़ा प्याज को बारीक काट के डालेंगे, हरी मिर्चें और धनिया। दाल जो हमारी पिसी हुई है उसमें हम 1/2 चम्मच नमक और थोड़ी सी हरा धनिया, 2-3 चॉप करी हुई हरी मिर्चें और 1/2 प्याज चॉप करा हुआ, ये इसमें शामिल कर देंगे। ये सब प्याज, हरी मिर्ची और हरा धनिया, नमक हमने शामिल कर दिया है। ये डालने के बाद हम इसको अच्छे से फेंट लेंगे। ये अच्छे से फेंट चुका है, देखिए कितना पफी हो गया है। जितना अच्छा ये फेंटा जाएगा बैटर, उतने ही इसकी जो भजिया रहेंगी वो फूलेंगी। ये हमारा फेंट चुका है, इसको हम 5 मिनट के लिए रेस्ट पे भी छोड़ देंगे। और जब तक इधर हम तेल चढ़ा देंगे, कढ़ाई में तेल गरम हो दिया, तेल हमने गरम होने के लिए चढ़ा दिया है। इधर ये जो हमारा पिसा हुआ मसाला है उसमें हम और भी स्पाइस जो हमें डालने हैं वो डाल देंगे। ये हम 1 चम्मच भर के हमने पिसी मिर्ची ले ली है, वो इसमें शामिल करेंगे। इसमें 1/2 चम्मच और हमने ले ली है, 1 चम्मच हमने नमक ले लिया है, इसमें हल्दी ली है 1/2 चम्मच, छोटी चम्मच 1/2, इसमें धनिया पाउडर डालेंगे, इसमें 1 चम्मच हमने डाला और 2 चम्मच ये धनिया पाउडर ऐड कर दिया इसमें। बस ये हमारा और तो गरम मसाला वगैरह जो भी था इसमें ही पिस गया था, ये मसाला कंप्लीट हो गया। इधर तेल हमारा हो गया है, अब हम इसमें भजिए को तलेंगे। इसमें आप चम्मच से भी इसको डाल सकते हैं, लेकिन हाथों से बहुत अच्छा शेप आता है इनका। एक तरफ से हो जाएंगी गोल्डन, तब हम इनको पलट देंगे। ये देखिए, एक तरफ से ये गोल्डन हो गई थी तो हमने इन्हें पलट दिया है। ये देखिए, इस तरह से इन भजियों को तल लेना है। अभी हमने इतनी सी तली है और तल के आपको बताते हैं। तल के तैयार हो गई हैं, आधी भजिया हमने निकाल के रख दी हैं। बच्चों को ऐसी पसंद है चटनी के साथ खाने, बहुत क्रिस्पी भजिया बनी थी तो बच्चों ने ऐसे ही थोड़ा चटनी से उसको एंजॉय कर लिया खा के। ये हमारा ज़्यादा था कढ़ाई में, हमने उसको निकाल लिया है। अब इतने तेल में ये 1 चम्मच बड़ा चम्मच भर के तेल है, उसमें हम ये मेथी दाना है 1 पिंच, चुटकी के हिसाब से हमने लिया है मेथी दाना, पहले शामिल करेंगे। मेथी के चटकने पर हम मसाला इसमें ऐड करेंगे। इसको अच्छे से भून लेंगे मसाला। मसाला हमारा अच्छा से पक जाना चाहिए, जरा भी कच्चापन नहीं रहे, क्योंकि कच्चा प्याज हमने इसमें डाला है तो प्याज को अच्छे से भून जाना चाहिए। और इसमें हम एक खटाई ऐड करेंगे, ये आम की जो, अब हम इसमें एक खटाई को ऐड करेंगे, थोड़ा खट्टापन आ जाएगा, जिससे ये खटाई आम की जो कैरी रहती है उसको सुखा के मसाले लगा के बनाते हैं। जब इंशाल्लाह हम जब कैरियाँ आएंगी बाज़ार में तो आपको ये भी बनाना बताएंगे। बिस्मिल्लाह, मसाला हमारा भून के तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं तेल इसमें ऊपर आ गया बिल्कुल।
और मसाला भी पूरा हमारा सूख गया है, बहुत अच्छे से भून गया। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। ये हमने एक कप पूरा भर के पानी लिया है और इसको हम इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी थोड़ा हम ज़्यादा शामिल करेंगे इसलिए क्योंकि भजियाँ अभी डालेंगे तो वो थोड़ा अपने अंदर पानी को सोखेंगी, इसलिए हमें पानी और ऐड करना पड़ेगा। पानी आप अपनी ग्रेवी के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे हमें ज़्यादा गाढ़ी ग्रेवी चाहिए तो पानी कम डालेंगे, बस इतना पानी हमारे लिए काफ़ी है। अब हम इसका नमक टेस्ट करेंगे, टेस्ट के हमारे अकॉर्डिंग रहेगा तो नमक सही है, नहीं तो और हम इसमें ऐड करेंगे। इसमें नमक हमारा बिल्कुल परफेक्ट है, सब कुछ इसमें परफेक्ट है। अब हम इसमें एक उबाल आने तक इंतज़ार करेंगे। सालन हमारा देखिए बलक रहा है अच्छे से और ये बलक गया है। अब हम इसमें भजिया को डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें एक बलक होने के बाद हम इसे स्लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए पकाएंगे और फिर हमारा भजिया का सालन बनके तैयार हो जाएगा। इसको आप भजिया का सालन भी बोल सकते हैं, दाल का कोफ्ता भी बोल सकते हैं, कुछ भी। और बनाइए आप भी, बहुत अच्छा इसका टेस्ट रहता है। देखिए ये बलक रहा है और बलकने के बाद हम इसको, अब ये बलक चुका है अच्छे से, अब हम स्लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, फिर फ्लेम को बंद कर देंगे। सालन हमारा बन के तैयार हो गया। अब हम इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह।